रविवार को नगर सोहागपुर के सेंट पैट्रिक स्कूल में क्रिसमस डे और अपना कार्यकाल पूरा करने वाले 3 वरिष्ठ शिक्षकों का विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सभी बच्चों ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में विद्यालय के मैनेजर फादर आइजैक एका और विद्यालय के प्रिंसिपल फादर दिलीप कुमार मिंज उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। On December 21st, with our Patrician family, Christmas celebration is a symbol of peace and love. It is celebrated around the world with joy and happiness. We are about to commence our event by lighting the lamp of knowledge and wisdom. It's our honor to invite respected Father Dilip Kumar Minj, respected Father Isaac Ika, respected Sister Kapila, Sister Valeria, and Sister Inumati. पुत्र को जनेगी। परमेश्वर ने मुझे चुना है, ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तू एक पुत्र जनेगी और परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा और तू उसका नाम यीशु रखना। जैसा परमेश्वर चाहता है। एक रात एक स्वर्गदूत यूसुफ के पास आया। यूसुफ, परमेश्वर के पास तुम्हारे लिए एक अद्भुत योजना है। मरियम एक पुत्र जनेगी और वह एक महान राजा होगा। वह शांति का राजकुमार कहलाएगा और तुम उसका नाम यीशु रखना। मरियम,
समय की घटना है जब रोमी सम्राट अगस्तस कैसर जन गणना के लिए प्रदेश के सब लोगों को आदेश दिया था कि सब अपने अपने पैतृक जगह में लौट जाए। रूस के साथ अपने पैतृक भूमि बेथलहम की ओर चल दिया। बेथलहम बहुत दूर था। चरवाह भाई, क्या बता सकते हैं बेथलहम कितना दूर है? ये बहुत ही लंबा सफर है, लगभग 70 मील दूर। धन्यवाद, चिंता मत करो मरियम। बिल्कुल मैं तुम्हारे पास सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। क्योंकि मरियम गर्भवती थी और उसका प्रसव का समय निकट था। परमेश्वर आपके साथ हो और आपके साथ भी है। उस दिन उन्हें मीलों का सफर तय करना पड़ा। ये तो बहुत ही अच्छा है, परमेश्वर आपके साथ हो और आपके साथ भी है। और मेरे पति किसी को मना ही नहीं करते, लगता है तो मेरा सोए घर में ही सोना पड़ेगा। काफी दिनों से यात्रा कर रहे हैं, आपका बहुत धन्यवाद। चलो एक जगह तो मिल गया। हम बालक का नाम रखेंगे यीशु। उसी रात के दौरान एक बहुत ही आश्चर्यजनक उस बालक यीशु से बहुत ज्यादा प्रेम करने लगे। एक जर्नी में यह मानव जाति के लिए एक खुशी का दिन है। एक राजा जर्नी में, वो भी एक बेथलहम में। मैं तो सोच रहा था ये राजमहल में पैदा होगा। चलो शहर में चले, वो स्वर्गदूत ने जो कहा उसका पता लगा। हाँ चलो शहर में चले और जो स्वर्गदूत ने कहा उसका पता लगाए। मैंने यही कहा था। क्या बालक को हम देखने आए हैं? इस स्वर्गदूत ने इनके बारे में हमें सब कुछ बताया। उन्हें स्वर्ग से दूतों का एक झुंड आकर परमेश्वर का महिमा करने लगे। और स्वर्गदूत ने यह भी कहा था कि तुम उसे चरनी में लिपटा हुआ पाओगे। बिल्कुल ऐसे ही जो कुछ स्वर्गदूत ने कहा वो सब सच है। परमेश्वर का पुत्र चरनी में राजा। मरियम का दिल खुशी से भर गया जब उसने चरवाहों की कहानी सुनी। उसे पता था कि उसका बेटा परमेश्वर का पुत्र है। उस समय पूरब देश के कुछ ज्योतिषियों आकाशमंडल में एक अनोखा तारा देखे। ज्योतिषियों तारे का पीछा करते हुए बेथलहम पहुंच गए और तारा उसी गौशाले के ऊपर जा रुका जहां यीशु था। और ज्योतिषियों ये जान गए कि उन्हें बिल्कुल सही जगह ले आया गया। बहुत ही दूर से नए राजा का जन्म का खुशियां मनाने। क्या हम अंदर आ सकते हैं? जरूर। हमें पता चला कि बालक का जन्म हुआ है। हाँ, तारा को देख के उसका पीछा करते हुए हम यहाँ तक पहुँच गए। ज्योतिषियों ने बालक यीशु को सोना मुख और लोबान भेंट के तौर पर दिया। शुक्रिया, आपने मौका दिया हमें। और परमेश्वर का महिमा किए क्योंकि परमेश्वर ने अपना बेटा उनके लिए भेजा, एक नया राजा। छोटी छोटी चीनी
Oh,
are crying. They feel at home atmosphere. That is the plus point of the kindergarten teachers. They are hardest to express our feelings for her, but it is our responsibility to express our sincere gratitude. It feels like yesterday when she just started her journey, career, teaching career. ला रहे हैं हम सभी के लिए उन्होंने अपनी सेवाएं यहाँ पर प्रदान की। इस अवसर पर मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। मुझको आज भी बुलाते हैं किंतु किए जो वादे तुमने, याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बता है यह मूक निमंत्रण चलकाना, अभी तो कार्य शुरू हुआ है, अभी तो हमें और आगे तक। Is one of the messages that we have been hearing every year. But Christmas message is only three messages: peace, joy, and hope. When the birth of Jesus Christ took place 2000 years ago, the world was torn apart. And this world which was torn apart, he came to give peace, joy, and hope in the people. And we celebrate today this Christmas. Christmas is a message of joy, Christmas, and a bright new year 2024. All the best. Wish you all the best for your Christmas week. Enjoy with your parents. And wishing this, I also wish the outgoing teachers who have served us so long with dedicated love, I wish them all the best for their future life. कभी अलविदा मैं कहना, कभी अलविदा मैं।